बैलेंस डाइट का प्रश्न है, स्वस्थ रहने के लिए हमारे यहाँ कहा गया एक रस अभ्यास नहीं करना चाहिए। एक रस अभ्यास के कोई निरंतर एक रसों का आप सेवन करते हैं तो वो अव्याधिकारक होती है, उससे रोग हो सकता है। तो सभी रसों का अभ्यास निरंतर करना है। सभी रस में हमारे अगर आयुर्वेद दृष्टि से कहा जाए तो वहां पे 666 रस की कल्पना की है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ये 6 रसों के मिले हुए संतुलन के अनुरूप भोजन की जाती है और दोषानुकूल उन्हें आगे पीछे किया जाता है। अब जैसे कि कोई अगर शरीर में आपका कौन सा दोष बढ़ा हुआ है उसके अनुकूल से चिकित्सा भी की जाती है। जैसे मधुर रस, प्रसन्न रस है, बहुत बल्य है आपके शरीर में, रस रक्त आदि धातुओं को बढ़ाता है, और जब उसकी बल्य है ज्यादा बढ़ाता है तो उसी स्थिति में अगर ज्यादा मधुर का आप सेवन करते हैं तो कब कब दोष जो है प्रकोपित हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, मात्रा और तप नहीं करते, फिर श्रोत अवरोध करता है, जब श्रोतस में अवरोध कर देता है तो वायु को मार्ग नहीं मिलता है, तो या तो वायु से वहां आवरण कर लेता है अथवा वायु को रास्ता नहीं मिलने से वायु कुपित हो जाती है, या दूसरे स्थान पर दूसरी धातुओं का निरंतर तो अपने से दूसरे जगह स्थान निकल जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक दोष को अगर एक रसाभ्यास में नहीं किया, क्या मधुर एक उदाहरण होता है, ऐसी हम कटुति जो भी आप करेंगे तो दोष बढ़ेंगे और वो एक सोतरोध करेंगे या आम की स्थिति जिसको टॉक्सिन एक तरह के आयुर्वेद में सामान्य लोग कहें कि एक तरह विषैला तत्व तो जो हमारे शरीर के अनुकूल नहीं होते हैं उनका निर्माण होने लगता है। और जब हम बैलेंस डाइट के रूप में अगर सभी रसों का अभ्यास निरंतर करते हैं तो दोष समावस्था में रहते हैं, समान रहते हैं, इक्वल मिलियन में बिल्कुल इक्वल रहते हैं।